स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान के बारे में। ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, छोटा सा देश है, लैंडलॉक कंट्री है। और पहला ताजिकिस्तान रशिया का एक पार्ट था। सोवियत यूनियन 1991 में जब डिसॉल्व हुआ, अलग अलग कंट्रीज डिवाइड हो गया सोवियत यूनियन से, तब से 1991 से ताजिकिस्तान सोवियत यूनियन से अलग हो गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। और तब से आज तक ताजिकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ताजिकिस्तान एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है। उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड चाइना, उनका जो सराउंड में है। और ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है दुशांबे, और ताजिकिस्तान का जो करेंसी है ताजिकिस्तान सोमोनी। सो ताजिकिस्तान का जो इकोनॉमी है 1991 इंडिपेंडेंट के बाद, उनका जो ताजिकिस्तान के जो काफ़ी सारे वॉर चला, उनका इंटरनल वॉर चला, तब से ताजिकिस्तान का इकोनॉमी काफ़ी गिर गया, उनका पॉवर्टी लाइन के अंदर आ गया। लेकिन 1999-98 से ताजिकिस्तान का लोग और ताजिकिस्तान का गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। काफ़ी सारे प्रोडक्ट वो ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब से, करीब 20 साल से। सो ताजिकिस्तान वर्ल्ड में एक कंट्री है, जैसा कि उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ऐसा ताजिकिस्तान काफ़ी सारे एक्सोटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहा है। और वैसे ही कटन है, उनका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है वेजिटेबल फ्रूट से, और उनका अल्मीनियम है। तो तब से ताजिकिस्तान का जो इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है। और ताजिकिस्तान का सोमोनी जो कुछ साल पहले इंडियन करेंसी से नीचे था, आज ताजिकिस्तान का जो करेंसी ताजिक की सोमोनी इंडिया का करेंसी का हाई है। तो आज के तारीख में 1 ताजिकिस्तान ताजिकी सोमोनी जो ताजिकिस्तान का करेंसी है, 1 ताजिकी करेंसी ताजिक सोमोनी इंडियन रुपये से आगे है और करीब 6.50 रुपया मिलेगा। यानी ताजिकी सोमोनी इंडिया में हमको 6.50 रुपया मिलेगा आज के तारीख की डेट में। सो उनका देश छोटा है, लोग बहुत मेहनती है, और लोग और गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया और टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया, इसीलिए उनका करेंसी हाई है। उनका एक्सपोर्ट की वजह से और टूरिज्म की वजह से कंट्री का करेंसी है और कंट्री आगे की तरफ बढ़ रहा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उनका हो रहा है। सो आज बात करेंगे तो ताजिकिस्तान क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ताजिकिस्तान क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उस बारे में बात करेंगे। सो ताजिकिस्तान में इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। ताजिकिस्तान में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पर करीब आज के तारीख में करीब 800 के ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे इंडियन टूरिज्म ग्रो हो रहा है, इंडिया का जो टूरिज्म है, इंडियन लोग जा रहे हैं दुशांबे और सराउंडिंग एरिया ताजिकिस्तान घूमने के लिए। और ताजिकिस्तान में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ खुल चुका है। ताजिकिस्तान का लोग बहुत अच्छे हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, और इंडियन लोग को पसंद करते हैं, इंडियन फूड को पसंद करते हैं, हमारा जो बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पसंद करते हैं, इसीलिए काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए। और वहाँ का जो क्लाइमेट बहुत ठंडी है, इसीलिए गर्मी के टाइम में काफ़ी सारे इंडिया से लोग वहाँ छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं ताजिकिस्तान में। सो ताजिकिस्तान का जो इंडियन पॉपुलेशन आपको बता दिया, 800 के ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स है, और काफ़ी करीब 400 से 500 इंडियन वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट खुले हैं और काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहाँ खुल चुका है। इंडिया से फार्मास्यूटिकल, इंडिया लोग जाके वहाँ काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुले हैं, इसीलिए आगे ताजिकिस्तान में अगर आपको बिजनेस खोलना है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप वहाँ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कॉटन सस्ता है, और वहाँ मेडिकल स्टोर बना सकते हैं या इंडिया से मेडिकल मेडिसिन इंपोर्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी बिजनेस आप कर सकते हैं इन ताजिकिस्तान। सो ताजिकिस्तान का पोर्ट के बारे में बात करेंगे। ताजिकिस्तान का खुद का पोर्ट नहीं है, क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका चारों बाजू काफ़ी सारे कंट्रीज है। अफगानिस्तान उनका साउथ में है, और उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है चाइना है, इसीलिए ताजिकिस्तान का खुद का पोर्ट नहीं है। सो ताजिकिस्तान डिपेंड करता है हाईवेज एंड एयरवेज के ऊपर डिपेंड करता है। सो ताजिकिस्तान का जो एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे, आपको दिखा रहा हूँ कौन से एयरपोर्ट, कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं ताजिकिस्तान में जो ताजिकिस्तान को हेल्प करता है फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो दैट लिस्ट ऑफ
एयरपोर्ट्स इन ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में छोटे बड़े करीब 26 एयरपोर्ट्स है, लेकिन उनका वन एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुशांबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो उनका राजधानी में है, दुशांबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ताजिकी एयर, उनका जो नेशनल एयरवेज है, ताजिकी एयर ऑपरेट करता है दिल्ली टू दुशांबे। आप ऑनलाइन में उनका प्राइस चेक कर सकते हैं। सो ताजिकी एयर, अगर आप ताजिकिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप दिल्ली टू ताजिकिस्तान जाती है, दुशांबे जाती है ताजिकी एयर। आप दिखा रहा हूँ मैंने ताजिकी एयर के वेबसाइट नीचे, आप देख सकते हैं। और बाकी सारे कितने सारे एयरलाइंस इंडिया टू ताजिकिस्तान ऑपरेट कर रहे हैं और कितने सारे कार्गो कंपनीज इंडिया टू ताजिकिस्तान ऑपरेट कर रहे हैं, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उस हिसाब से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर उन कंपनीज को, उन एयरलाइन को लिखिए कि आप इंडिया टू ताजिकिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको प्राइस मिल जाएगा कार्गो प्राइस, क्योंकि उनका सी पोर्ट नहीं है, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा कार्गो के ऊपर। और आगे हम बताएंगे ताजिकिस्तान क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, और इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट्स ताजिकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ ताजिकिस्तान क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, आप देख सकते हैं। सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ताजिकिस्तान एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, आप देख सकते हैं। ओर्स एंड स्लैग एस जेम्स प्रेशियस मेटल्स है, कॉटन है, अल्मोनियम, सॉल्ट सल्फर, स्टोन, सीमेंट, मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल, मेटल्स है, क्लोथिंग एक्सेसरीज है, आयरन स्टील, व्हीकल्स। सो उनका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है ताजिकिस्तान का तुर्की, स्विट्जरलैंड, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, बेल्जियम, ईरान, लाटविया, किर्गिस्तान एंड इटाली। सो ये उनका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इंडिया का फिलहाल नाम नहीं है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स आपको ध्यान देना पड़ेगा ताजिकिस्तान के ऊपर। सो आपको बता दिया मैंने द टॉप प्रोडक्ट जो ताजिकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहता है। ताजिकिस्तान में काफी सारे एक्सोटिक फ्रूट्स ग्रो हो रहा है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स ग्रो हो रहा है। हमने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जितने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमने विजिट कर चुके हैं, तो हमने देखा है जो फ्रूट्स ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इन एरिया में ग्रो हो रहा है, इवन आर्मेनिया, अजरबैजान, इन कंट्रीज में ग्रो हो रहा है, उन फ्रूट्स जो एक्सोटिक फ्रूट्स है, काफी टेस्टी फ्रूट्स है, उन फ्रूट्स का इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आप एक इम्पोर्टर्स हो, आप इन कंट्रीज में विजिट करिए और काफी सारे जो एक्सोटिक फ्रूट्स है जो दुनिया में और कोई देश में ग्रो नहीं हो रहा है, उन फ्रूट्स को आप इंडिया में इम्पोर्ट करके इंडिया में आप सेल कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स का फोटोज आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। सो अभी बात करेंगे ताजिकिस्तान का मेन प्रोडक्ट जो ताजिकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। सो द टॉप प्रोडक्ट ताजिकिस्तान इम्पोर्ट्स, अल्मोनियम प्रोडक्ट है, अल्मोनियम, और एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, ग्रेन एंड फ्लोर, ये प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट कर रहा है ताजिकिस्तान। उनका खुद का नेचुरल गैस पेट्रोल नहीं है तो इम्पोर्ट करता रहता है। तो ये प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, इम्पोर्ट मेन इम्पोर्ट कर रहा है ताजिकिस्तान। और अभी आपको बताएंगे इंडिया टू ताजिकिस्तान आप क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे, आपको दिखाऊंगा। ताजिकिस्तान काफी सारे फूड प्रोडक्ट इंडिया से इम्पोर्ट करते रहते हैं। फिलहाल आपको बता रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, आई मीन इंडिया, भारत से एक्सपोर्टर्स जो भारत से हैं, क्या क्या प्रोडक्ट ताजिकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो द इंडिया एक्सपोर्ट्स टू ताजिकिस्तान, मन फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, अपैरल, क्लोथिंग एक्सेसरीज, आयरन स्टील, प्रिंटिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, शुगर, ओवन फैब्रिक्स, सिंथेटिक वगैरह, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, राइस, टी, शुगर, इंडियन फूड, ग्रोसरी प्रोडक्ट, कोकोनट ऑयल वगैरह आप कर सकते हो, कट फ्लावर्स जो फ्रेश फ्लावर्स आप कर सकते हो, कारपेट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह कर सकते हो, प्लास्टिक्स, जितना सारा कर सकते हैं, जितना सारा आपको दिखा रहा हूं मैंने, आप देख सकते हैं। जितने सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाया, इंडियन प्रोडक्ट्स, मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जितने सारे इंडियन प्रोडक्ट हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताजिकिस्तान, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए,
फिर देखिए आप इंडिया से कहाँ से सोर्स करके इन प्रोडक्ट को ताजिकिस्तान आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, मैं आपको बता दिया। फिर आप तैयार हो जाइए टू एक्सपोर्ट टू ताजिकिस्तान। सो अभी बात करेंगे कौन से कितने सारे एक्सपोर्ट इम्पोर्टर से बायर से ट्रेडर से इन ताजिकिस्तान जो वर्ल्ड वाइड और इंडिया से इम्पोर्ट करते रहते हैं। तो कुछ कंपनीज का नाम बता रहा हूँ मैं जो सुपरमार्केट से ट्रेडिंग कंपनीज है इम्पोर्टर से बायर से इन ताजिकिस्तान जो इंडिया से और वर्ल्ड वाइड से इम्पोर्ट करते रहते हैं, आपको दिखा रहा हूँ। सो ये देख लीजिए ये कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, सुपरमार्केट से और ट्रेडिंग कंपनीज है, जितने सारे नाम आपके दिखा रहे ताजिकिस्तान का देख लीजिए। तो ये कुछ कंपनीज का हमारे पास काफी सारे लिस्ट है ताजिकिस्तान का। सो मैं कुछ कंपनीज दिखाया, इन कंपनीज को डिटेल्स मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट करके ले जाइए, आपका कंप्यूटर में गूगल में लॉगिन करके आप सर्च करिए। रशिया का एक साइट है, रशिया का एक yandex.ru। सो रशिया का गूगल है, रशिया का मेन सर्च इंजिन है yandex.ru या google.com है, आप सर्च करिए इन कंपनीज का नेम, तो इन कंपनीज का वेबसाइट आपको मिल जाएगी, डिटेल्स मिल जाएगी। फिर आप वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए इन कंपनीज क्या क्या प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, फिर उनका कॉन्टैक्ट और पेज में जाके उनको लिखिए, उनका जो कॉन्टैक्ट और पेज में फॉर्म में लिखिए या कॉन्टैक्ट और पेज से आप ईमेल आईडी कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए आपका ईमेल में, फिर उनको आपका कंपनी प्रोफाइल भेजिए। आप उनको लिखिए कि आप आपका प्रोडक्ट ताजिकिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर आप करेस्पोंडेंस कीजिए उनके साथ, आपको 101% आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि ताजिकिस्तान का द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरीज बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन ताजिकिस्तान जो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए मदद करेंगे। तो आप देख लीजिए द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस, सो द बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स बिजनेस डायरेक्टरीज येलो पेजेस एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ ताजिकिस्तान, आपको कुछ दिखा रहा हूं मैंने। तो ये जो साइट आपको दिखाया मैंने कुछ साइट है ताजिकिस्तान का है, ताजिकिस्तान का इन साइट को मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में लॉगिन करके, हर साइट में जाइए लॉगिन करके, हर साइट में आप आपका कंपनी लॉगिन करके रजिस्टर करिए, आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, फोटोज वगैरह ऐड कर लीजिए, सर्विसेस ऐड कर लीजिए, स्पेसिफिकेशन ऐड कर लीजिए और आपका कंपनी का डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी का लोगो भी ऐड कर लीजिए, ताकि ताजिकिस्तान में जो इम्पोर्टर्स है बायर्स है ट्रेडर्स है जब सर्च करेंगे तो आपका इंडियन कंपनी का डिटेल्स उनको मालूम पड़े, फिर वो आपको लिख सकते हैं अगर वो चाहते हैं, अगर वो आपका आपका प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, प्राइस अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा तो हो सकता है वो आपको ऑर्डर देंगे ऑनलाइन में। और ताजिकिस्तान का कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मैंने ऐड कर दिया हूँ, ताजिकिस्तान के बारे में अगर आप पढ़ना है इंग्लिश न्यूज़पेपर में उनका बिजनेस पेजेस जाके आप पढ़ सकते हैं, ताजिकिस्तान क्या क्या एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट करता है और उनका बिजनेस डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये थी आपको डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। तो ताजिकिस्तान का दुशांबे में, ताजिकिस्तान का जो उनका जो राजधानी है दुशांबे में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है, अगर एक्सपो में भाग लेना चाहते हो तो आप दुशांबे जा सकते हैं। ताजिकी एयर ऑपरेट करते हैं दिल्ली टू दुशांबे, आप दिल्ली टू दुशांबे आप ताजिकी एयर में ट्रैवल कर सकते हैं और काफ़ी सारे एयरलाइंस यूएई होके ऑपरेट होता है तो दुशांबे, तो बेस्ट रहेगा आप दिल्ली टू दिल्ली से ताजिकी एयर यूज करिए। ताजिकी एयर से जाके आप ताजिकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा लंबा दूरी नहीं है, करीब 3.5-4 घंटे का रास्ता है क्योंकि ताजिकिस्तान जो है अफगानिस्तान के ऊपर है। सो आप अगर मैप में देखोगे जो हमारा जो कश्मीर के बाद जो लेफ्ट में वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान देन ऊपर है ताजिकिस्तान। सो तो अगर अफगानिस्तान काबुल से आप बाई रोड में रोड से आप ताजिकिस्तान जा सकते हो और दुशांबे में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है, तो अगर आपके पास बजट है फिर दुशांबे में आप जाके एक्सपो में भाग ले सकते हैं। काफ़ी सारे एक्सपो साइट मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ, आप एक्सपो साइट में जाके चेक कर लीजिए कौन सा महीना में कौन सा मंथ में क्या क्या प्रोडक्ट ताजिकिस्तान में एक्सपो होता रहता है, आप जाके एक्सपो में भाग लीजिए या एक्सपो में विजिट करके देखिए, आपको काफ़ी सारे ऑर्डर मिल जाएगा, काफ़ी सारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स ऑफ ताजिकिस्तान से आप मिल सकते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स मैंने बता दिया। अगर ताजिकिस्तान आप विजिट करना चाहते हो तो ताजिकिस्तान का गवर्नमेंट का ई वीज़ा प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड वाइड,
इंडियन को भी ई वीज़ा आप ले सकते हैं, एक महीने का वीज़ा है और 45 डेज का भी वीज़ा है। और ई वीज़ा का जो लिंक है मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए ई वीज़ा का। इन ई वीज़ा का साइट में जाके आप ऑनलाइन में पे करके आप ई वीज़ा ले लीजिए, फिर दुशांबे दिल्ली जाके दिल्ली से आप ट्रैवल कर सकते हैं टू दुशांबे बाई ताजिकियार। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया कि हाउ टू गेट ऑर्डर्स और कैसे आपको ताजिकिस्तान का ऑर्डर मिलेगा, कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में डिटेल्स आपको मैंने बता दिया। आपका प्रोफाइल रेडी करिए। ताजिकिस्तान का जो लैंग्वेज है ताजिकी बोलते हैं, ताजिकी, और उनका दूसरा सेकंड लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज है, क्योंकि ताजिकिस्तान एक रशिया का पार्ट था 1991 पहले, और अभी भी ताजिकिस्तान का बच्चे लोग स्कूल में रशियन लैंग्वेज पढ़ते हैं जो उनका सेकंड लैंग्वेज है। सो आपका जो प्रोफाइल आप रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में बनाइए, जो आपका प्रोफाइल रशिया के साथ साथ ताजिकिस्तान के साथ साथ जितने सारे CIS कंट्रीज है उनमें काम आएगा। सो ताजिकिस्तान विजिट करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, या उनका B2B ट्रेड पोर्टल्स में आप रजिस्टर करके कॉन्टैक्ट करिए। उनका जो येलो पेजेस में काफ़ी सारे उनका इम्पोर्टर्स आपको मिलेगा, आप उनका कॉन्टैक्ट करिए थ्रू ईमेल। तो बहुत सारे तरीके आपको मैं बता दिया कि कैसे आपको ताजिकिस्तान से ऑर्डर मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर, और कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, कार्गो कंपनी जो ऑपरेट करता है बता दिया, सब पूरी सारी डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो या पुराने एक्सपोर्टर हो तो आप YouTube में जाके ट्यूब ग्रोथ कॉरपोरेशन सर्च करिए, तो आपको हमारे वीडियो, काफ़ी सारे वीडियो हर एक कंट्रीज का मिल जाएगा। तो आप हर वीडियो में सर्च करके देख लीजिए कि आप कौन से कंट्री क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे और क्या प्रोसीजर है, डिटेल्स हमने बता चुके हैं। और आगे हम करीब 194 मोर कंट्रीज का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 194 कंट्रीज जो है UN अप्रूव कंट्रीज है। हर कंट्रीज का वीडियो हम बनाते रहते हैं। आप अगर एक एक्सपोर्टर हो, हमारा वीडियो आप देखते रहिए, आपको पूरी डिटेल्स हम बताते रहते हैं कि हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप हमारा वीडियो को आपके दोस्त लोग के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन किसी को मिल जाए और किसी के लिए ये लाभदायक हो। हमारा वीडियो को शेयर करिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।